नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हरमीत सचदेव, डायरेक्टर साईं कॉलेज भिलाई, आपके साथ पुनः संवाद स्थापित करने आया हूं। हमने अपना पहला वीडियो आपको डाला था 7 अप्रैल 2020 को, जब हमने आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के लेटेस्ट अपडेट्स बताए थे आपकी वार्षिक परीक्षा के संबंध में। आज 7 अप्रैल के बाद आज 14 अप्रैल 2020 है, एक सप्ताह हो गया, तो मुझे व्यक्तिगत लगा कि आप लोगों के साथ दोबारा संवाद स्थापित करना चाहिए, बिकॉज मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ, आप सब किस मनोस्थिति में हैं अभी, ये जब एक कन्फ्यूजन है कि एग्जाम्स कब होंगे और डिले हो रहा है, तो नेचुरली एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे संवाद करने का ये दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। 14 अप्रैल एक सप्ताह तो बीत गया है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः लॉकडाउन एक्सटेंड करने का जो निर्णय लिया सभी के हित में 3 मई 2020 तक, वो भी एक हमारे सामने बात आई। स्टूडेंट्स, 7 अप्रैल 2020 को जो वीडियो हमने आपको भेजा था, उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगहों से, अलग अलग माध्यमों से संपर्क किया, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, पर इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हम आपको अपडेट्स भेजते रहेंगे जो भी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं से संबंधित अपडेट्स हैं, वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल साईं कॉलेज भिलाई की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जैसे आप सभी यूट्यूब वीडियोस को करते हैं, ताकि आपको अपडेट्स जब आएं तो आपको जानकारी मिल सके, तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, मुझे जो अलग अलग छात्रों के जो कमेंट सेक्शन में और वैसे जो मैसेजेस आए, उसमें कईयों ने कहा कि एग्जाम्स कब होंगे, तो मैं आज आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो अपडेट 7 अप्रैल का था वो अपडेट अभी तक वैसा ही है, कोई नया अपडेट विश्वविद्यालय की तरफ से अभी तक नहीं आया है। कईयों ने कहा कि गैप होना चाहिए, विश्वास कीजिए कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, उसके ऑफिशियल्स, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ये सब आप सब के लिए कंसर्न हैं, और जो भी ये निर्णय लेंगे ये छात्र हित को और परिस्थितियों को देख कर ही लेंगे, तो आप बिल्कुल भी अभी पैनिक ना करें, निराश ना हो, अपना मनोबल बनाए रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखें, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय मेंटल हेल्थ पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप हतोत्साहित ना हो, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कृपया अपने आप को मोटिवेट रोज करें। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि हम जिले से बाहर हैं, हमारे पास किताबें नहीं हैं। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के बाद बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज के सिलेबस पूरे छत्तीसगढ़ में एक समान है, तो यदि आपके कोई परिचित जिस जिले में आप हैं वहां अगर बीकॉम कर रहे होंगे तो लगभग सेम सिलेबस, सेम किताबें वहां भी उपलब्ध होंगी, अगर नहीं उपलब्ध हो पाती आपको फिर भी, तो अपने दोस्तों की मदद लें, दोस्तों से निवेदन करें कि वो आपको चैप्टर वाइज बुक्स की फोटोग्राफ भेज सकें, नोट्स की फोटोग्राफ भेज सकें, व्हाट्सएप कर सकें, ताकि आप उनसे पढ़ सकें। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जनरल प्रमोशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये सोच जरूर आप रखते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं ऐसा मेरे सोच में नहीं होने वाला। उसका रीजन है कि UGC जो सर्वोच्च बॉडी है जो विश्वविद्यालयों को गवर्न करती है, मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जो आपसे शेयर करता हूँ, UGC ने एक 7 मेंबर्स कमिटी बनाई थी जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग मैटर्स को देखने के लिए कमिटी बनाई गई, जिसमें परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं मेन मुद्दा था। तो उस कमिटी ने जो अपने निर्णय दिए हैं उसमें दो मुख्य बिंदु हैं जो आपके आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। उसमें एक बिंदु ये है कि जब भी परीक्षाएँ हों तो फाइनल ईयर की परीक्षाओं को प्राथमिकता दें, और दूसरा बिंदु ये था कि उस कमिटी ने ये सजेशन दिया है कि जनरल प्रमोशन या मास प्रमोशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब जनरल प्रमोशन जैसी चीज़ मेरी समझ में नहीं होने वाली, तो कृपया आप र्यूमर्स पे ना जाएं। आज का ये वीडियो आप तक पहुंचाने का, ये मैसेज आप तक पहुंचाने का उद्देश्य केवल एक है, कृपया र्यूमर्स पे ना जाएं,
अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखें, अपने मोरल को स्ट्रांग रखें, और विश्वास कीजिए जब आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत ही एक एक स्ट्रांग विल पावर के व्यक्ति बनकर निकलेंगे, क्योंकि जो समस्याएं आ रही हैं वो केवल आपको नहीं आ रही, हर व्यक्ति को आ रही है, हर हर प्रोफेशन के आदमी को आ रही है। दूसरा, एक चीज जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑप्शन दिया है 20 अप्रैल का, आप सबने सुना होगा उनके संदेश को, तो 20 अप्रैल तक यदि हमारे जिस जिस जिले में आप हैं उन जिलों में यदि कोई केसेस नहीं होंगे तो शासन हो सकता है कुछ छूट दे। तो अब यहां पर आप युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस एज ग्रुप में आप हैं आप में वो शक्ति है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। तो अनावश्यक बाहर मत निकलिएगा लॉकडाउन में, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को भी ये समझाइएगा कि जितना हम बच के रह सकें, और नए केसेस ईश्वर की दया से बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, जीरो हो जाएं अब वो अगले एक सप्ताह में, ताकि 20 तारीख के बाद हमारे जिले, जिस जिले में आप हैं, दुर्ग जिला, ये सब जिलों में कुछ छूट मिल सके, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा आप सबको पुनः निवेदन है कि सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, लॉकडाउन का नियमतः पालन कीजिए, शासन के आदेशों का नियमतः पालन कीजिए, और स्टूडेंट्स होने के नाते हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर निरंतर अपनी निगाह रखें, क्योंकि विश्वविद्यालय उस वेबसाइट के माध्यम से आपको एग्जाम्स का अपडेट देता रहेगा, साई कॉलेज भिलाई अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट देगा और आपको अपडेट्स को समझाएगा भी। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।